नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। जय तुम देवी चामुंडे जय भूता तिहारिणे जय सर्वगते देवी मां कालरात्रिर् नमोस्तुते। नवरात्रों का सातवां दिन मां कालरात्रि की पूजा। काल रात्रि, काल मींस मृत्यु, जिसको रावण ने अपने पावे के साथ बांध के रख लिया था। काल मतलब अंधकार, रात्रि मतलब अंधकार, यानी जो अंधकार के ऊपर विजय पाए उसको कालरात्रि कहते हैं। और कालरात्रि माता की पूजा करने मात्र से आपके जीवन में खुशियां और सब नवग्रहों के दोष जो है वो खत्म हो जाते हैं। यानी अगर आपको कष्ट निवारण पूजा करनी है तो डेफिनेटली आप कालरात्रि की पूजा जरूर करें। ये माता को अध्ययन करने के बाद आपको इस बात का पता चल जाएगा कि किस तरह शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्त बीज, इनका वध करने के बाद देवी ने इनके ऊपर विजय पाई और इंद्र को उसका राज जो है वापिस किया। देवी पार्वती जब एक दिन नहा रही थी तो उन्होंने देखा कि बहुत से राक्षस जो है वो देवताओं को दुखी कर रहे हैं, तो विकराल रूप लेने के बाद देवी पार्वती जो है उनको कालरात्रि के रूप में उन्होंने उत्पत्ति की। और इसीलिए इनको चामुंडा भी कहते हैं, यानी मां चामुंडा का ये रूप अगर आप देख लेते हैं तो रक्त बीज जो कि ऐसा राक्षस था जिसको वरदान था कि अगर उसका कोई भी रक्त का बीज पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी में एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा। जितने रक्त बिंदु गिरते थे उतने राक्षस पैदा होते जा रहे थे, मगर कालरात्रि ने चामुंडा का रूप लेकर जितना खून गिरा उस सारा खून कपाल में भर के उसको पी लिया। तो इसको बोलते हैं कालरात्रि। कालरात्रि अपने मुंह से और नाक से आग की लपटें निकलती हैं उनसे। राक्षसों का वध करने के लिए चामुंडा ने रक्त बीज जैसे राक्षस का रक्त जो है उसको ग्रहण कर लिया। तो आप ये सोच लीजिए कि कालरात्रि का जो स्वरूप है, उनके एक हाथ में कांटा है, एक हाथ में भाला है और एक हाथ अभय मुद्रा में है। कालरात्रि की सवारी जो है वो गदा है। विकराल रूप धारण किए हुए कालरात्रि को जब अगर आप देखेंगे तो मुंडमाला धारण किए हुए हैं, शमशान की वासिनी है कालरात्रि। और कालरात्रि के रूप में मां पार्वती ने इसलिए ये रूप लिया कि जितने राक्षस हैं वो भयभीत हो जाएं, रक्त बीज और दुष्टों का नाश करने के लिए कालरात्रि का ये जन्म होता है। और इस दिन का यानी आज सातवें नवरात्रे का जो ग्रह है उसको शनिदेव रूल कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव का रंग भी जो है काला है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजा छाया मातंद संभूतम दन्नवामि सरेश्वरा। तो कालरात्रि को वर्शिप करने से, उनकी पूजा करने से, जितने आपकी कुंडली में इल इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स हैं, बुरे ग्रह हैं, उनकी अपने आप शांति हो जाती है। बहुत बड़े बड़े राक्षसों का वध करने में सक्षम है पार्वती का ये रूप। और नव दुर्गा में आप इन्हीं के रूप में कालरात्रि को बंगाल और बाकी बड़े बड़े मंडपों में देखते हैं, एक लंबी काल्य रूप में कालरात्रि और जीव बाहर निकाले हुए, राक्षसों के वध करती हुई विद्युत की माला जो चमकती है, जिसको देखकर जो राक्षस है वो ध्वस्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं। भयंकर रूप धारण करने के बाद में पार्वती के इस रूप को अगर आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी कष्ट हैं, आपके दूर हो जाते हैं। इसलिए मां कालरात्रि को प्रणाम करते हैं। ओम देवी कालरात्रि
नमः। तो इस दिन जो भक्त है वो सहस्रार चक्र की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि आपके सिर के ऊपर सहस्रधार चक्र जो है वो 100 पेटल्स ऑफ कमल, उन पेटल्स के बीच में आपका जो है नेत्र चक्षु, आपका जो है आपकी दृष्टि जो है वो खुल जाती है। मूल धारा से सहस्रार चक्र तक जब आप सातों चक्रों को जागृत कर लेते हैं, सातवें चक्र को जागृत करने के लिए आपको काल रात्रि की पूजा करनी पड़ती है। और क्या शब्द का उपयोग करना है? ओ का उच्चारण करके आप सहस्रार चक्र जो है इसको जागृत कर सकते हैं, जिससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। जय माता देवी, जय मां कालरात्रि, जय मां कालरात्रि।